हेलो दोस्तों, प्रसाद मैथिली यूनिक एडम आपका स्वागत है। आज हम अमेजन का एक हिडन ऑफर के बारे में बात करेंगे, वहाँ पे आपको फ्लैट 50 रुपीज़ कैसे मिलने वाला है, ये ऑफर क्या है, ये ऑफर आपको कैसे मिलेगा, तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये ऑफर किसी के आईडी पे शो नहीं कर रहे हैं। तो आपको ऑफर कैसे मिलेगा इसके बारे में हम बिल्कुल यहाँ पर क्लियरली आपको बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को आखिर तक बन लीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करिए, तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप जाए और आप वीडियो को पहले देख सके। देखिए, आपको पता है अमेजन अपने यूजर को हर ट्रांजेक्शन में कुछ स्क्रैच कार्ड देता है, तो अभी उसका टाइम में आ गया, हम उसका कैसे बेनिफिट लें। अगर आपके पास अमेजन है और अमेजन UPI है तो आप क्या करिए, कहीं पे भी आप 2-3 ट्रांजेक्शन कर लीजिए, 20-30 रुपये का पेमेंट कर लीजिए और अपने जो भी अमेजन QR कोड थ्रू 2-3 पेमेंट रिसीव कर लीजिए, तो वहाँ पे आपको जो भी स्क्रैच कार्ड मिलेगा 3-4, तो वहाँ उस स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करिए। तो मैक्सिमम 2 ऑफर मिल रहे, एक में क्या मिल रहा है, 800 रुपये शॉपिंग करेंगे तो 55 रुपीज़ कैसा मिलेगा आपको, और एक में 2000 रुपये आर्ड मनी करेंगे तो 50 रुपीज़ आपको कैसे मिलने वाला है। तो देखिए, मैं इजीली आपको यहाँ पर आपको दोनों से एक ऑफर अप्लाई करके दिखाऊंगा और वहाँ पे आपको फ्लैट 50 रुपीज़ कैश पे मिलने वाला है, और जो आपका जो जैसे कि 800 रुपये था 2000, तो इजीली आप अपना रिफंड पे आ सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो में। आपका अमेजन है तो आप अमेजन पहले ट्रांजेक्शन कर लीजिए 4-5, आप कहीं पर पेमेंट भेज सकते हैं, कहीं से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, आप कोई भी कंडीशन में आपको स्क्रैचर मिलना है तो आपको स्क्रैचर मिल गया। तो मैं आज बताऊंगा कि 2000 रुपये आर्ड करने पर 50 रुपीज़ फ्लैट कैसे मिल गया, वो 2000 रुपये हम अपना बैंक अकाउंट में फिर से रिटर्न ले आएंगे। अभी देखिए ऑफर मिल चुका है, तो हम क्या करेंगे उस ऑफर का आप ओपन करें तो यहाँ मिल गए फ्लैट 50 रुपीज़ के आसपास और मिनिमम ऑर्डर 2000, तो 2000 रुपये यहाँ पर आर्ड मनी आपको करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, हम ऑफर को कलेक्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पर अमेजन पे UPI के थ्रू ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ऑफर को कलेक्ट करते हैं, तो जब भी वो ऑफर को कलेक्ट करेंगे तो आर्ड मनी पे क्लिक करते हैं। जब भी हम आर्ड मनी पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हमको उस सेक्शन पे ले जाएगा जहाँ पे आप आर्ड मनी करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करिए, आप 2000 रुपये आर्ड मनी करिए, क्योंकि जिसका टर्म एंड कंडीशन ये है कि आपको 2000 रुपये आर्ड मनी करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 2000 रुपये आर्ड मनी कर लिए। देखिए यहाँ पर पेमेंट कन्फर्म 50 रुपीज़ कैसे मिल चुके आपके सामने और 2000 रुपये आर्ड मनी हो चुके। तो हम अभी हम क्या करेंगे, हम चलेंगे होम पेज पे और अमेजन पे पे देखेंगे वो 2000 रुपये ऐड हुआ ही नहीं हुआ है। तो चलते अभी अमेजन को ओपन करते हैं। जब भी अमेजन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर अमेजन पे को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2100 कुछ रुपये हो गए, यानी 2000 रुपये पर आर्ड मनी हो गए। अभी हमको क्या करना है, वो 2000 रुपये को हम बैंक अकाउंट में फिर से ट्रांसफर करने वाले। तो यहाँ पे मैं और एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसका अमेजन का UPI जो अमेजन पे बैलेंस का स्कैन एंड पे एक्टिव है तो वो ऑफर कलेक्ट करिए। तो क्या करता हूँ, मैं स्कैन कर लेता हूँ और वहाँ पर 2000 रुपये आर्ड मनी करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मुझे अमेजन पे का ऑप्शन आ चुका है, तो अमेजन पे से मैं ट्रांसफर कर लेता हूँ। तो आपको फिर से बता दूं, जिसका अमेजन पे स्कैन एंड पे का जो ऑप्शन अभी आ चुका है, एनेबल हो चुका है, वो इस ऑफर का ट्राई करें तो इजीली आप अपना 2000 रुपये अपना बैंक अकाउंट में फिर से रिफंड ला सकते हैं। तो ऐसे अगर आपको वहाँ पर आपका 2000 रुपये आर्ड मनी किए, 50 रुपीज़ कैसे मिल जाए और आप 2000 रुपये आप फिर से रिफंड भी ले सकते हैं। अगर इस कंडीशन में अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका अमेजन पे बैलेंस स्कैन एंड पे वाला ऑप्शन एनेबल नहीं हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली बहुत सारा एप्लीकेशन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अपना अपना बैंक अकाउंट में अपना अमेजन पे बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं। इनसे सबसे ईजी है कि अमेजन में आप गोल्ड परचेस करके सेल कर दीजिए, आपका जो भी अमाउंट है वो आप फिर से निकलेगा। ये था कंप्लीट वीडियो कि कैसे आप अमेजन में फ्लैट 50 रुपीज़ कैश पर ले सकते हैं, वो भी हिडन ऑफर है, अगर आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको ऑफर दिखाई देगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल भी क्लिक करिए, क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसे नोटिफिकेशन आप पा जाए और वीडियो को पहले देख सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया बात और कुछ नया जानकारी लिखे।